हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 29x50 फुट का हाउस प्लान है, क्योंकि ये प्लान में थोड़ा इंक्लिनेशन है, लेकिन आप इसे 29x50 फुट में एज इट इज़ बना सकते हैं। दो फ्लैट है इसमें, कुछ पोर्शन इसमें आगे ओपन स्पेस छोड़कर बनाया गया है जो कि पार्किंग और गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1 BHK के दो फ्लैट बनाए गए हैं, एक कमरा किचन टॉयलेट है, थोड़ा ड्राइंग रूम का स्पेस है। तो ये प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइड। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्लान आप देख सकते हैं, इसकी डायमेंशन है 29 फुट 6 इंच, इस तरफ 51 फुट है और इस तरफ 63 फुट है। तो अगर आप राउंड फिगर से 29x50 या 30x50 में पकड़ते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 9.5 फुट ओपन स्पेस छोड़कर इसको बनाया गया है इस तरफ से। विद इन 51 फीट की जो डायमेंशन है उसमें से 9.5 फुट छोड़कर बनाया गया है। अगर आप 30x50 में पकड़ेंगे तब भी आप इसमें 9 फुट ओपन स्पेस छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा ओपन स्पेस है, पार्किंग के लिए छोड़ा गया है। इसमें कुछ पोर्शन आप गार्डन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे एक फ्लैट की जो डायमेंशन है वो यहाँ से यहाँ तक है, और जो दूसरा फ्लैट है उसको इस एरिया में यूटिलाइज किया गया है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 3 फुट वाइड इन्होंने एक ओपन गैलरी छोड़ी है, कुछ साइड में ओपन स्पेस था इस वजह से 3 फुट गैलरी से इनका काम चल जा रहा है। जैसे कि आपका साइज 29 या 30 फुट होगा, तो इस 3 फुट गैलरी को हम 4 फुट में कन्वर्ट कर लेंगे या 4.5 फुट में, कुछ रूम साइज कुछ रखा कर, क्योंकि आप देख सकते हैं लॉबी वाला पोर्शन है 12.5 फुट वाइड है। तो यहाँ से कुछ एरिया लेकर इसको गैलरी को 4 या 4.5 फिट कर सकते हैं। तो यहाँ से अंदर आएंगे, पहले फ्लैट की एंट्री यहाँ से दे सकते हैं आप। चेक इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट टेरेस पे जा रहा है। इन केस आप इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से बनाया गया है। तो ये जो आगे वाला फ्लैट है इसकी एक एंट्री यहाँ से दी गई है, अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट किचन में या लॉबी के पोर्शन में एंट्री होगी। दूसरी एंट्री ड्राइंग रूम के थ्रू दी गई है, ड्राइंग रूम काफ़ी बड़े साइज़ का है इनका, 16x10 फुट का ड्राइंग रूम है, तो इस वजह से एक एंट्री बाहर की तरफ से दे दी गई है। यहाँ से जब अंदर आएंगे तो लॉबी में एंट्री होगी, ओपन किचन यहीं लॉबी में दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। साइड में इसकी विंडो लगाई गई है, साइड ओपन में विंडो लगाई गई है। यहाँ से देखेंगे 12x10 फुट का एक बेडरूम है, और इसके सब्सिक्वेंट एक टॉयलेट बनाया गया है 7x4 फुट का। इसके पीछे एक वेंटिलेशन दिया गया है जो कि 4.5 फुट वाइड है, तो बेडरूम की विंडो और टॉयलेट का वेंटिलेटर इसमें आप लगा सकते हैं। तो एक फ्लैट आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये वाला फ्लैट थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा इसमें यूटिलाइजेशन या थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, क्योंकि आगे हमने 9 फुट स्पेस छोड़ा है, तो इसको और ज़्यादा बेटर आप बना सकते हैं। दूसरे फ्लैट की एंट्री आप देखेंगे किस पैसेज के थ्रू आएंगे, तो पीछे यहाँ लॉबी में इसकी एंट्री होगी। 12.5x9 फुट का ये लॉबी का स्पेस मिलता है, या सिटिंग स्पेस आप इसे मान सकते हैं, या ड्राइंग रूम आप इसे कह सकते हैं। यहीं पर एक ओपन किचन दी गई है, 8x5 फुट इसकी विड्थ है। अगर इसको वॉल को हटा देते हैं तो यहाँ पर भी आप एक ओपन किचन की तरह स्लैब वॉश में डाल सकते हैं। किचन के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं वॉश मशीन लगा है, या वॉशिंग मशीन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के सामने टॉयलेट का स्पेस आपको मिलता है 7x4। पीछे से ऐसा बेडरूम मिलता है आपको 12x10 फुट का, और इसमें यहाँ पर जो ओपन स्पेस दिया गया है इसमें जाने के लिए इसी रूम से एंट्री दी गई है। साथ में डोर के साथ एक वेंटिलेटर भी लगाया गया है, या विंडो आप यहाँ लगा सकते हैं डोर के साथ। इनका पीछे भी ओपन स्पेस है, तो इनकी विंडो जो है वो पीछे लग गई है, इस वजह से वेंटिलेशन का इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। प्लान को दोस्तों आप एज इट इज़ बना सकते हैं, क्योंकि 50 फुट है, हमने 9.5 फुट छोड़ा है, तो कुछ हम पैसेज पीछे की तरफ छोड़ सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, या कुछ कुछ चेंज करके बना सकते हैं। एक किसी और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो इस वजह से ये इस तरह से दिखता है। उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको समझ आया है और पसंद भी आया होगा। इन केस अगर आपका प्लॉट के साथ डिफरेंट है, कुछ अलग तरह की प्लानिंग आप करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट नंबर शो करना, आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में हम आपके लिए बेहतरीन हाउस प्लान बनाकर लाएंगे। एडमिशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तरह तरह के हाउस प्लान को हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। प्लान के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। प्लान पसंद आया है तो इसी तरह के बेहतरीन हाउस प्लान और डिज़ाइन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।